कैसे लग रहे? ठीक लग रहे बढ़िया। अब ये देखो ना, हाइट देख लो, काली नहीं होनी चाहिए। बहुत तो है यार इतनी। आपको कौन सा लग रहा है इसमें से? कोई से भी एक ही है इसमें। हमने प्लेट दिखा ना, ये देखना जरा, पेंटिंग करने वाली है अभी ये दीवार में। जबकि चार पांच काम आपके वैसे मुझे मिल गए। अच्छा मिल गए? हाँ चार। आप सभी को नमस्कार, सुयश अस्वालडू चैनल में। आज है 6 नवंबर और फिलहाल मैं हूँ अभी अपने स्टूडियो में और अभी सुबह सुबह बैडमिंटन खेल के आ रहा हूँ मैं हमारे कोटद्वार के स्टेडियम से। और अभी 3-4 दिन से मैं जब गेम खेल रहा हूँ ना, तो मैं एक चीज़ फील कर रहा हूँ कि एक गेम ही ऐसी चीज़ है जो मतलब ये जो होता है ना कि लोग मोटे पतले पे भेदभाव करते हैं, काले गोरे पे भेदभाव करते हैं, जिस पे पैसे ज़्यादा होते हैं किसी पे कम होते हैं, किसी पे कोई गाड़ियाँ होती हैं, कोई छोटी गाड़ी होती है बड़ी गाड़ी होती है उसमें भेदभाव करते हैं। लेकिन अगर कोई स्पोर्ट में अच्छा है ना, तो पीछे जितनी भी हमारे ज़िंदगी में चीज़ें कम है वो फिर मैटर नहीं करती। चाहे मेरे पास स्प्लेंडर बाइक है, चाहे मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, चाहे मेरे पैसे बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है, लेकिन अगर मैं स्पोर्ट पर अच्छा हूँ ना तो बड़ी इज्जत मिलेगी। तो ये चीज़ है कि किसी ना किसी स्पोर्ट में हर इंसान को थोड़ा मतलब होना चाहिए कि मतलब अपने ग्रुप में वो अच्छा खेले। चलो बाकी बातें तो होती रहेंगी, अभी चलते हैं। ज़रा सारे लेबर भैया लोग आ चुके हैं, देखते हैं ज़रा क्या काम चल रहा है। और बाकी अभी पुट्टी होने के बाद देखो कैसा लग रहा है, बढ़िया। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा ये हॉल है जहाँ पे सोफ़ा और डाइनिंग टेबल आएगा, तो उसका जो गेस्ट वॉशरूम है उसकी टाइल लग रही है सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले वाटर लेवल नापा जा रहा है। और पहले हमने सोचा हुआ था कि पूरी हाइट देंगे टाइल्स को पूरी ऊपर तक, लेकिन अब थोड़ा बजट की वजह से हम लोग सिर्फ यहाँ 6 फिट तक टाइल्स ले रहे हैं। इस ऊपर नहीं, 8 फिट होनी चाहिए। 8 फिट होनी चाहिए क्योंकि ये जो जो है ना एक टंकी, हाँ, इसमें कवर हो जाती है तो सुंदर लगती है बहुत। चलो देखते हैं अभी। 6 फुट कम रहती है अभी, जैसे लगाओगे तो उसके बाद देखेंगे कि 6 फुट अगर अच्छी लगे तो फिर 8 फुट तक करेंगे। और बाकी जो हमने टाइल्स ली है वो ये वाले दे सकते हैं आप, ये वाइट ही है बट हल्की हल्की धारियाँ हैं इसमें। और यहाँ पे जो ब्रांड है वो है कजारिया इटर्निटी, इस ब्रांड की हम टाइल लगा रहे हैं। और ये वाली जो टाइल है ये वेट्रीफाइड टाइल है, ये पीछे से देख सकते हैं आप, ये ऐसे खुरदुरा होता है और इसका ये देखो पैटर्न होता है जैसे मछली का, नहीं होता बिल्कुल वैसे ही, तो इसको वेट्रीफाइड बोलते हैं। जैसे ये धारियाँ हैं ना, तो ये एक के ऊपर एक ही आएंगे ना, ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ जा रही है फिर यहाँ से जो ऊपर टाइल लगाओगे वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। थोड़े बहुत तो मिलने का हो सकते हैं यार, तो कुमार तो मिलेगी, तो क्योंकि मैं तो एक तीर के हिसाब से लगाऊंगा। किसके हिसाब से? जो इनके अंदर तीर रखते हैं ना उनके हिसाब से लगती है टाइम। अच्छा हाँ। बाकी यहाँ पे प्लम्बिंग का काम भी स्टार्ट हो गया, जो ऊपर से टंकी से नीचे पाइप आएगा, फिर ये यहाँ पे सेप्टिक टैंक और ये जो टॉयलेट वाला टैंक है इसमें मिक्स होगा। तो प्लम्बिंग वाले भी काम कर रहे हैं आज, टाइल्स वाले भी काम कर रहे हैं, छोटा मोटा 1-2 प्लास्टर छूट रखे हैं, तो मिस्त्री वाला भैया भी आ रखे हैं, साथ में पुट्टी वाला काम भी हो रहा है। तो 4-5 टीम आ रखी है, सब काम पर लगे हुए, तो ऐसे ही काम होना चाहिए, तभी जल्दी भी होगा काम। साथ में लग रहा है ऐसा कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो घर बना नहीं रहे आजकल, है ना भैया, वो कॉल नहीं जा रहे आजकल, तो इसलिए मैं दोबारा भैया का नंबर डाल रहा हूँ, तो अगर कोई चाह रहा है। नहीं नहीं तो भैया बहुत कॉल आ रहे थे ना, अब बीच में मेरे ख्याल से आपने मुझे लिया ही नहीं, लिया तो कॉल वॉल आई नहीं, मैंने कहा यार कॉल ही नहीं आ रही, तो इसलिए जरा घर बनवाए, जरा पूछे इंक्वायरी करें। जबकि 4-5 काम आपके वैसे मुझे मिल गए। अच्छा मिल गए? हाँ 4 आवर। अब बीच में कोई कॉल नहीं आ रही। डिस्काउंट डिस्काउंट तो मिला नहीं हमें, लेकिन डिस्काउंट तो जी भैया डिस्काउंट तो है ना, और डिस्काउंट मिले, मगर ये है कि आपके आपने वीडियो में जब क्या मुझे डाला मेरे कॉल बन गया। चलो बढ़िया है, काम भी मिलना चाहिए, तो इसलिए नंबर डाल दिया मैंने भैया का नीचे, कॉल करके पूछे जरूर कि भैया के रेट कितने हैं और कहाँ कहाँ भैया काम कर सकते हैं। लेकिन अगर जो कोटद्वार का है ना, तो वो तो करवा ही लो काम, दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको, इस बात की तो मेरी गारंटी है। हम 8-9 महीने हो चुके हैं हमें काम करते हुए, तो इसलिए आप भी कराएं। मम्मी पापा आ चुके हैं यहाँ पे जरा टाइल देखने के लिए। चले जाओ कोई बात नहीं। कैसे लग रही? ठीक लग रही। अब ये देखो ना, हाइट देख लो, बहुत तो है यार इतनी। हैं बहुत है, क्या करें, भैया लोग भी बोल रहे हैं 8 होनी चाहिए, सब कहने में लगे हुए। हाँ मतलब एक टाइल और।
इसमें पानी घुसा ही है जैसे इतनी रखेंगे। हाँ जी दिक्कत तो है, आठ फुट लगनी चाहिए। क्या दिक्कत है? जब ये टंकी लगेगी ना तो और खूबसूरत रहेगी, मतलब ये। अच्छा हाँ ऊपर तक ना। हाँ। ये तो सही बोला, जैसे शावर लगेगा, गीजर लगेगा, ये तो सही कहा भैया। मैं तो ना ठेकेदार ने सिखा पढ़ा रखा हूँ पर पर ये साइड हो, थोड़ा साइड हो, साइड हो। ये स्पेस देख लो, ये स्पेसर लगा रखे ना यहाँ पे, तो इतना इतना स्पेस रहेगा इसमें। वो तो ठीक है। स्पेस मतलब? अरे मतलब टाइलों के बीच में स्पेस। क्यों? उसमें वो भरेंगे ना फिर। अरे तभी तो ये स्मूथ हो रखी ना बिल्कुल, देखो यहाँ पे बीच में एपॉक्सी भरेंगे। हाँ अच्छा, अगर व्हाइट रंग की एपॉक्सी भरी तो कैसा लगेगा? ब्लैक तो ब्लैक भरवा लो। नहीं व्हाइट क्यों नहीं, चॉकलेट कलर व्हाइट क्यों? इसका लगना है क्या फायदा है? फिर तो मिला के लगा तो मिला के वही तो दिक्कत हो रही ना, ऐसे ऐसे कहीं कहीं पे। क्या था ऐड? ऐड आता है इनमें ऐड। हाँ तो इनमें कवर हो जाए, जब एपॉक्सी भरेंगे ना तो बिल्कुल प्लेन हो जाएगी आपकी। अगर इसमें एपॉक्सी नहीं करेंगे, गैप नहीं देंगे, तो जब हाथ फेरेंगे ना तो एक डिफरेंस पता चलता है कि ऊपर नीचे है, मतलब अंदर और बाहर को रखी है। नहीं तुम टाइल में देखो ना, टाइल में भाई कितना ऐंट आता है, मतलब इधर से गोल होती है टाइल, इधर से बाहर निकल, यहाँ से निगाह मारो नीचे को। हाँ यहाँ से निगाह मारो, यहाँ से कितनी ऐंट है। हाँ जैसे हल्का सा ऐसा लग रहा है अंदर की से, उधर के बाहर की निकला हुआ, यहाँ से हल्का सा लग रहा है कि बाहर निकला हुआ। ये यहाँ पे यहाँ सिंक नहीं लगेगा हमारा वॉश बेसिन, और वो वॉश बेसिन लगेगा वैसा वाला जो उसका डाउन पाइप होगा ना, वो अंदर होगा, मतलब ऐसे पाइप लटकी हुई नहीं दिखेगी यहाँ पे। तो तुम बॉक्स बनाना ही है वैसे भी। हाँ तो इसके अंदर रहेगा वो, अरे उसकी टेंशन मत लो, मैंने सब बता रखा है, तोड़ना तो पड़ेगा ही। ये थोड़ी बात टूट फूट हो गई, आप तो बिल्कुल ऐसा सोच रहे कि बस ये देख लिया आपने, ये कौन सा पसंद आ रहा है आपको डिजाइन? मम्मा ये लगेगा कहाँ? फ्रंट में, घर के फ्रंट में बस, और कहीं नहीं लगेगा ये। तो क्यों लगना है इसे? टेस्ट बढ़िया आता है। आपको कौन सा लग रहा है इसमें सही? कोई से भी एक ही है। नहीं तभी भी एक तो बताओ। मैं तो पहले वाला बोल रहा हूँ, पहला वाला। ये भी सही है, ये और पहले वाले में अंतर क्या है? ये सीधा सीधा लाइन है इसमें, इसमें डायगनल लाइन है। चलो वही मम्मी को आज दोबारा डॉक्टर पे दिखा के आ रहे हैं। बाय मम्मी, अच्छे से दिखा के आना ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारे टॉयलेट के पाइप हैं दोनों के दोनों, ये जो बड़े वाले हैं। एक पाइप तो जाएगा घूम के उधर, वो जो वहाँ पे सेप्टिक टैंक है वहाँ, और एक पाइप है वो जाएगा यहाँ। फिर इस पिट को कनेक्ट करना है, ये रास्ता देख रहे होंगे आप यहाँ पे, उस सेप्टिक टैंक से। तो ऐसे ये इंटरलॉक्ड रहेगा सारे का सारे पाइप से एक दूसरे से। और बाकी ये जो एक पतली पाइप देख रहे होंगे आप, ये मोटर की पाइप है, जो फ्यूचर में हम मोटर लगाएंगे तो वहाँ से ऐसे करके जाएगी और फिर हमारे ऊपर टंकियों में पानी चढ़ाएगी। ये देखो यहाँ पे जा रही है पाइप ऊपर। तो अभी मम्मी दिखा के आ गई थी डॉक्टर को, और कोई भी दिक्कत नहीं बताई डॉक्टर ने। उन्होंने बोला फिलहाल तो अभी जितनी रिपोर्ट्स उनकी, उन्होंने क्योंकि टेस्ट करवाए थे तो रिपोर्ट्स देख के तो बोल रहे हैं सब नॉर्मल है। पता नहीं जो उनको स्वेलिंग हुई थी नसों में, अब वो उम्र के साथ साथ कभी कभी हो जाती होंगे कुछ दिक्कतें बॉडी में, तो लेकिन ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, तो चलो इस चीज़ में तो भगवान ने साथ दे दिया। बाकी अभी शाम के 6 बज गए हैं और अभी तक भैया लोग काम कर रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बढ़िया करके टाइल लग चुकी हैं और काफ़ी बढ़िया लग रही है, लेकिन अगर प्लेन हो जाती ना ये, हाँ हाँ हाँ, तो और अच्छी लगती। इस वाली दीवार पर नहीं लगाई है, इस वाली दीवार के लिए मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि मैंने क्या सोचा हुआ है। कोई दूसरी टाइल लगाने का प्लान है, तो वो मेरे को अभी जाना है दुकान में, ढूंढना है और ख़रीद के लाना है, तो कल जाएंगे वो और कल ख़रीद के लाएंगे। इस काम में डिले नहीं कर सकते क्योंकि अभी जब काम चल ही रहा है तो फिर हाथों हाथ बढ़िया करके फटाफट ले आएंगे टाइलें। और यहाँ पे मम्मी पापा का रूम है, तो देखो यहाँ पे भी इन्होंने इस वाली वॉल पे लगा दी है, बढ़िया डिसेंट सा लुक लग रहा है। तो फिलहाल अभी अपनी बीएल कॉलोनी चलते हैं, मम्मी का बुलावा आया है अभी कि थोड़ा जल्दी आओ आज घर, क्योंकि मार्केट जाना है, क्यों जाना है ये पता नहीं, अभी चलते हैं देखते हैं। ये देखो उसको वो है यार, 10 दिन से गाड़ी चली नहीं है, धुली नहीं है, क्या हालत हो रखी है, कहाँ अटेंडेंस बताओ जरा, मैं बोल रही हूँ डेंट हो गया इतना बड़ा यहाँ, ये देखिए ये लग रहा जी कहाँ है, कहाँ लग रहा ना वो तो लग रहा, पहले देख लिया करो इतना ऐसे करते हो आई ना। अच्छा यहाँ से तेरे को लग नहीं रहा, क्या आपने मेकअप कर रखा क्या? गोरी लग रही ना गोरी हो गई है यहाँ, बाबा 2 दिन हुए नहीं, काले हो गए मियां, वहाँ से काली होके आई थी थोड़ी गोरी हो गई है। हाँ। और बंदर ऐसे सो रखे थे ना इसमें सुबह ऐसे कर रहे
कौन कर रहा था? बंदर। तुमको देख के ये देखो फिंगरप्रिंट्स हैं यहाँ पे बंदर के, देखो कितने सारे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अरे 2 दिन हो गए अंदर घर में रह रहे के। पता क्या करी मुझे बुखार, और मैंने कहा बुखार नहीं है, घर से बाहर निकल अभी देख, और जैसी घर देख क्या ताजा हो गई, ताजा सब बुखार खत्म। तो अभी भाभी का थोड़ा खट्टा खाने का मतलब सॉरी नहीं नहीं चटपटा खाने का मन कर रहा था। चटपटा भी बेटा भी आपको गुन्ना बना भाभी तो पसंद। चलो इसलिए फिर बोला कि भाई चटपटा खाना है तो क्या खाएं क्या खाएं, तो भाई हेल्दी भी खिलाना है, तो इसलिए आखिरी में डोसा ही आया दिमाग में। एक बड़ा था, आंटी ने बोला ले लो, उसे दिया, इसने खाया भी। वही तो, अब भाभी कुछ खा ही नहीं रही है तो हम पैक करा के जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन हम माँ बेटे ने तो खा लिया भैया। चलो भाई भाभी कुछ तो खा रही है अब, ये इमली डाली है इसमें इमली। अच्छा लग रहा। आ जाओ भाई आ जाओ, लो। नहीं किसी ने नहीं खाया, बस आप नहीं आए तो फिर इसलिए हमने बोला, आपका प्यार हमें खींच लाया। वहां जैसे उनकी दुकान में घुसे भाभी ने ऐसा मुंह बनाया ना जैसा अभी कुछ हो जाएगा वहाँ सिस्टम खराब। हमने बोला भैया पैक करा और चलो घर। दिखाना जरा, दिखाना अपने प्लेट दिखाना, ये देखना जरा पेंटिंग करने वाली है अभी ये दीवार में। क्या यार सांभर तो ले ले। सांभर तो हाँ वही तो, सांभर तो लिया ही नहीं, तो नहीं खाने में इतना स्वाद रहा ना सांभर। तो बस फिलहाल आज की इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक जरूर कर देना वीडियो को। तो इसी साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय श्री विशाल, जय श्री बाबा।